जय माँ काली। भाइयों बहनों, अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि कभी कभी बहुत सारे तुलसी के पौधे हो जाते हैं, तुलसी माता को आप लगाते हैं, जल देते हैं सुबह शाम, लेकिन आपके पास गमले हैं या जमीन है तो कई जगह तुलसी जी निकल आती हैं, और अगर आपने देखभाल नहीं किया तो मुख्य पौधा जिसमें आप जल डाल रहे हैं वो या कोई और भी तुलसी जी सूख जाती है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि तुलसी जी अगर सूख जाए तो क्या करें, उसे कैसे उखाड़ कर कहीं फेंक दें, तुलसी जी हैं, तुलसी माता हैं, उनकी हमने सेवा की है, यही तो है हमारे सनातन धर्म। जीवित जीवन को ही नहीं, माता पिता भाई बहनों को ही नहीं, हम पेड़ पौधों के लिए भी ऐसा सोचते हैं, और तुलसी माता तो तुलसी माता है, इसमें गुणों की खान है, और जब वो सूख जाते हैं तब भी हम इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि उस सूखे पौधे को क्या करें, कहाँ डाल दें, कहाँ फेंक दें, उसे उखाड़ कैसे लें। यह आपकी और हमारे धर्म की विशेषता है, हमारी संस्कृति की विशेषता है, सनातन की विशेषता है। तो आज हम आपको बतलाते हैं कि अगर आपके घर में तुलसी के पौधे सूख गए हैं तब आप उसका क्या करेंगे। पहले तो आप प्रयास करें कि उसकी मिट्टी को सही सही करें, उसका कुड़ाई करें, गुड़ाई करें, उसमें थोड़ा कुछ जल डालें, और अगर उसमें अंकुर निकल आया हो, जल्दी सूखती नहीं है तुलसी, तुलसी का पौधा जल्दी नहीं सूखता, थोड़ा सूख गया है तो उसके उससे जो उसकी जो फलियां निकली होंगी उसमें गिरे होंगे तो वो निकल आएंगे, या फिर उसी पौधे से छोटा सा अंकुर निकल आएगा। लेकिन फिर भी अगर सूख गया है, सूख ही गया है, तो आप कैसे उसे निकाल के फेंकेंगे, कहाँ फेंक देंगे। तुलसी जी कचड़े में तो फेंक नहीं सकते, जो घर से कचरा कलेक्ट करने आते हैं उन्हें भी नहीं दे सकते, वो तो और जूठे कचड़े में डाल देंगे, तो क्या करें, इसी का उपाय हम आपको बतला रहे हैं। अगर आपके गमले में या आपके घर में कहीं पर भी तुलसी जी सूख गई हैं तब आप सूखे तुलसी जी में ही सुबह जल डालें, अगरबत्ती जलाएं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे कि हमसे कुछ भूल हो गई जिसके कारण आपकी यह दशा है, तो मुझे माफ़ कर दे। इस तरह से माफ़ी मांग ले, और माफ़ी मांगने के बाद उस पौधे को जड़ के साथ निकाल लें। क्या करें, उसमें आपने पानी डाल दिया है, जल डाला है, तो वहाँ की मिट्टी गीली हो गई होगी तो आसानी से जड़ निकल जाएगा। अगर पौधा बड़ा है तो आप ज़्यादा पानी डाल दें, बड़ा पौधा होगा तो गमला भी बड़ा होगा या ज़मीन में होगा। अगर ज़मीन में है तो आप यूं ही सूखा छोड़ सकते हैं, वो वहीं रह जाएगा, धीरे धीरे करके वह खुद से निकल आएगा या वहीं पर भूमि विसर्जन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में अपने गमले में लगा रखा है तब परेशानी आती है। हाँ, तो आप क्या करें कि उसे जड़ से आप निकाल लें, जड़ समेत निकाल लें, और निकाल लेने के बाद उसे पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें, उसके जड़ में मिट्टी वगैरह लगी होगी, मिट्टी निकाल लें, ऊपर से धूल कण पड़ा होगा तो धूल को अच्छी तरह से धो लें, धोने के बाद उसे धूप में डाल दें सूखने के लिए। जब वह सूख जाए तब, या फिर उस भीगे हुए में भी जब आपने धो दिया है उस समय भी आप उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लें। तुलसी पौधे को जो आपने उखाड़ा है, उसे साफ कर लिया है, उसके बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, कैंची से, चाकू से, जिससे भी संभव हो उसे काट लें। काटने के बाद उसे धूप में किसी
पेपर पे रखकर अथवा शुद्ध कपड़े पे रखकर सूखने दें धूप में। वह जब सूख जाए, अच्छी तरह से सूख जाए, तो उसे और भी छोटे टुकड़े कर लें और उसे या तो मिक्सी में पीस लें या खल में उसे कूट लें। और जब आप चाय बनाते हैं तब उस कूटे हुए तुलसी के जड़ को थोड़ा सा चाय में बनते समय डाल दें। और अगर आपने पाउडर कर लिया है तो उस पाउडर को भी डाल दें चाय जब बन रही है उस समय। इस तरह से चाय आपके चाय की स्वाद भी बढ़ जाएगी और तुलसी जी का जो अंश है उसके जो गुण है वो उनके डंठल में भी होता है। आप तो जान ही रहे हैं कि तुलसी जी किस तरह से एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर है, इतना लाभ पहुंचाता है। तो जब ऐसा करके आप उसे चाय में डालकर पिएंगे तो फ़ायदा आपको मिलेगा। अथवा आप पानी खौलाएं और उसमें थोड़ा तुलसी का डंठल या पाउडर डालकर उसे अच्छी तरह से खौलने दें। खौलने के बाद उसका जब सत्व उस जल में आ जाए तो उसे आप सब घर के पूरे परिवार एक एक कप उसे ग्रहण कर लें। इससे आपका पाचन तंत्र भी सही रहेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगा और तुलसी जी को जहाँ तहाँ डालने और फेंकने से भी बच जाएंगे। हम तुलसी जी, आप कहेंगे कि क्या तुलसी जी को हम खा जाएं, ऐसा नहीं है। तुलसी जी का पत्र हम निकाल के जो गिर जाता है उसे लाते ही हैं, चाय में डालकर चाय बनाते हैं, चाय का स्वाद भी बढ़ता है और उसका फ़ायदा भी मिल जाता है। तो जो डंठल सूख रहा था, जो पत्ते सूख के कहीं बर्बाद हो रहे थे, उसे आप उपयोग में ले आएंगे। और तुलसी जी पर कहीं पांव भी नहीं पड़ेगा, उनका अपमान भी नहीं होगा। इस इम्यूनिटी को आप अपने शरीर के अंदर ले लेंगे, आप मजबूत होंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। तो तुलसी जी इतनी महत्वपूर्ण है कि जब वह जीवित है, हरी भरी है, तब भी आपको फायदा पहुंचा रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, इम्यूनिटी बढ़ा रही हैं, आपके धर्म भाव को बढ़ा रही हैं, आपके घर में पॉजिटिविटी ला रही हैं, नेगेटिव एनर्जी को दूर कर रही हैं। और जब हम मर जा रही हैं तब भी वह आपको लाभ ही दे रही हैं। तो भाइयों बहनों, मेरा आग्रह है कि हर कोई अपने घर में तुलसी पौधा जरूर लगाएं। इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और आप भी पॉजिटिव होंगे। घर में जब पॉजिटिविटी आएगी तो आपके विचार पॉजिटिव होंगे, विचार पॉजिटिव होंगे तो घर परिवार में मेल मिलाप रहेगा और जब मेल मिलाप रहेगा तो आपका दिमाग सही रहेगा और जब दिमाग सही रहेगा तो आप कार्य अच्छे से करेंगे, कहीं पे भी विघ्न और बाधाएं नहीं आएंगी। तो आज से आप प्रण कीजिए, हर कोई अपने घर में छोटा गमला, बड़ा गमला, जिसमें संभव है थोड़ा मिट्टी लगाकर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तो भाइयों बहनों, अगर आपको यह मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इसे लाभान्वित हो सकें। जो चैनल में पहली बार है वे सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर प्रेस करेंगे। जय माँ काली। बहुत बहुत धन्यवाद।